इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। वैसे तो अब कोरोना पर तस्करा भी अजीब लग रहा है, क्योंकि लोग अब कोरोना से उग चुके हैं, पर हुकूमत अब भी कोरोना पर ही बोलना चाहती है। लिहाजा मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि कोरोना पर वैक्सीन अगले साल दस्तयाब होगी। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कई सारी वैक्सीन बाजार में आने के इम्कान का इजहार किया। कोविड को लेकर कई सारे मुल्क वैक्सीन बनाने का दावा कर रही है। अभी कहा जा रहा है कि मर्ज और दवा देने का काम चाइना ही करेगा। वहीं रशिया, अमेरिका और दीगर ममालिक भी वैक्सीन बनाने के मुकाबले में अपना अपना दावा कर रहे हैं। खैर, इतना तो ज़रूर है कि इस कोरोना ने दुनिया का कुछ भला नहीं किया है। पूरी दुनिया का निज़ाम ही दरहम बरहम हो चुका है। अब जब लोगों की दिलचस्पी कोरोना में नहीं रही तो पॉजिटिव मरीज भी कम हो रहे और ठीक होने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। अब तो कुदरती मौत भी कम हुई है। खैर, बेलगाम में 50 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए। क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी करने वालों में बेलगाम तीसरे नंबर पर है। अब तक तकरीबन 134 लोगों पर मुकदमे दायर किए गए हैं। ताज्जुब तो इस बात पर भी है कि बिना मास्क वालों पर तो सड़कों पर कार्रवाई की जा रही है ताकि कोरोना ना फैले, पर क्वारंटाइन किए हुए लोग बेझिझक बाहर घूम रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए इजाजत देने के बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि दिसंबर 2020 से पहले गांव के पंचायती इंतखाबात यानी कि ग्राम पंचायत इंतखाबात को मुकम्मल किया जाए। लिहाजा कोरोना दौर में भी इंतखाबी हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। कुल रियासत में 6000 से भी ज्यादा पंचायत इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनका वक्त जून में ही मुकम्मल हो चुका था, पर कोरोना के मद्देनजर चुनाव नहीं हो पाए। पर अब अदालत ने भी हरी झंडी दिखाई है तो बेलगाम पंचायत इंतखाबात के साथ कारपोरेशन चुनाव भी हो सकते हैं। वार्ड की तामीर 9 को बगल देने की कोशिश भी की जा रही है। लिहाजा वार्डों की तरतीब पुरानी ही होगी, पर वार्डों को रिजर्व करने की हलचल जारी है, जिसमें सियासी दखल भी देखा जा रहा है। बेलगाम कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब किए भी 1.5 साल से ज्यादा वक्फा गुजर चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब करने के बाद 6 महीने में बल्दिया इंतखाबात होने थे पर हुए नहीं। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर कॉरपोरेशन चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। लिहाजा सिर्फ रिजर्वेशन का ऐलान कर चुनाव को जल्द कराने की तैयारी की इत्तला हासिल हुई है। वाज़ रहे कि बेलगाम वार्ड पुनर्रचना और रिजर्वेशन को लेकर 10 लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और हुबली धारवाड़ के जानिब से भी अदालत में पिटीशन दाखिल की गई है। 2018 में जो वार्ड की तरतीब को अंजाम दिया गया था उसे अदालत में अपील किया था कि वह गलत है, पर अब इंतजामिया को वार्ड को पहले की तरह रखकर सिर्फ रिजर्वेशन पर ही फैसला सुनाने की बात कही जा रही है और जल्द कॉरपोरेशन चुनाव का ऐलान करने के इम्कान पर बहस जारी। आज फिर बारिश ने सारे शहर की हरकत को ठप कर दिया। बेलगाम शहर में आज एक बार फिर धुआंधार बारिश हुई, जिससे शहर के निचले इलाकों में पानी दाखिल हुआ। खासकर वीरभद्र नगर के फारूकिया कॉलोनी में पानी दाखिल होने से कई मकानात इसकी जद में आने की तस्वीरें सामने आई है। बेलगाम शहर और अतराफ में पिछले कुछ दिनों में धुआंधार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा बेलगाम शहर के मुख्तलिफ तालुकाओं में भी बारिश की खबर हासिल हो रही। वापसी की बारिश से खेतों में फसल का भी काफी नुकसान होने की बात किसानों ने कही। तबलीगी जमात को किस कदर बदनाम किया गया था हम सभी जानते हैं। लिहाजा बेलगाम में भी इंडोनेशिया की जमात के 10 अफराद जो भारत में सैर तफरी के लिए आए थे यानी कि बतौर टूरिस्ट वीजा आए थे, लॉकडाउन के दरमियान यहीं फंस गए। इन पर वीजा वायलेशन का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इन पर यही इल्जाम था, पिछले 7 महीने से इंडोनेशिया के 10 अफराद 5 खवातीन और 5 मर्द बेलगाम में अटो नगर में रिहाइश पजीर थे। आखिर 20,000 जुर्माने लेकर इन्हें इंडोनेशिया जाने की इजाजत दी गई। आज बेलगाम
ऑटो नगर से इन्हें इंडोनेशिया रवाना किया गया। इनके चेहरे पर अपने घर को लौटने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त आसिफ राजू सेठ, समीर लवाड़ियोले, अब्दुल कादर भाई, अमीन भाई, अशफाक भाई और दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। अंजुमन के सदर जनाब आसिफ राजू सेठ ने कहा कि मस्जिद के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने इंडोनेशिया के मेहमानों की खिदमत अंजाम दी। लिहाजा सभी खवातीन व हजरात को आखिर बम्बई रवाना किया गया, वहाँ से वो इंडोनेशिया अपने घर लौटेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।